हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन एरिना। लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जैसे कि अपना जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो होता है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। अभी बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होता है? स्पेशियल डोमेन पे होता है। ठीक, अभी हम लोग इसमें कोई फ्रिक्वेंसी डोमेन हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली अभी देख रहे हैं स्पेशियल डोमेन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पेशियल डोमेन में आपका कौन सा आता है? ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पेशियल डोमेन में हम लोग मेनली करते हैं। तो वो आ गया आपका, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है तो मेनली ये चार ही होते हैं। तो जिसमें से आपको ये फोर में से शायद कभी पूछ ले कि फोर में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, या फिर शॉर्ट नोट में अगर आपको पूछ ले तो सारे के सारे वो बोल देता है कि एक्सप्लेन एवरीवन। ओके, तो हर एक जितने भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो आपको सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जो पहला वाला रहता है आपका, वो है आपका पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप लोग पॉइंट के ऊपर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पर्टिकुलरली उसे एनहांस करना हो, उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना हो या फिर उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल कम करना हो। उसके बाद आपका आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप लोग नेगेटिव एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगेन उसके बाद जो है आपका वो आता है लॉगरिथमिक, जिसको हम लोग कहते हैं लॉग एंड इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो चार हैं ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसके अंदर एक और होता है बट वो मेनली पूछा नहीं जाता है। तो बेसिकली आपको चार ही ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, वो हम लोग देते हैं एस इक्वल टू टी ऑफ आर, वेयर टी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। आर क्या है? आपका एक इनपुट इमेज है। आर क्या है? आपका इनपुट इमेज। तो आप लोग इनपुट इमेज के ऊपर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं तो इनपुट इमेज यानी ये जो आर जो रिप्रेजेंट करने वाला है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनपुट इमेज, बट ये जो इनपुट इमेज रहने वाला है ये आपका सिर्फ एक सिंगल पिक्सल ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आपका एक सिंगल पिक्सल रहने वाला है। तो हम लोग अभी ये जैसे कि नाम ही में ही डिफाइन करके रखा है उसने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग कोई एक पॉइंट लेंगे या फिर कोई एक पिक्सल लेंगे जिसके ऊपर हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। ग्रे लेवल जो ग्रे लेवल रहेगा, ग्रे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। एक तो उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल हम लोग बढ़ा देंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे उसकी स्केलिंग करके। ठीक है, तो वो होता है बेसिकली हमारा पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेयर टी इक्वल ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर एंड इट मे डन बाय यूजिंग वन इंटू वन विंडो। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली अभी वन बाय वन विंडो यानी क्या है, ये आपका वन इंटू वन। ठीक है, तो ये आपका एक ही पिक्सल रहने वाला है, वन बाय वन पिक्सल ही रहने वाला है। तो आप लोग इस विंडो को यूज करके मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, आपके आपके पास एक पूरा का पूरा इमेज रहेगा। तो जैसे कि इस टाइप का एक पूरा का पूरा ऐसा पिक्सल का सेट रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तो मैं इतने ही निकाल रहा हूँ। तो ऐसे और आपके पास एक क्या रहने वाला है, एक आपके पास विंडो पिक्सल रहने वाला है। ठीक है, वन बाय वन का। तो आप लोग इस विंडो को क्या करेंगे, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, मतलब हम लोग मेनली इस विंडो को यूज करने वाले हैं, इन सबकी जितनी पिक्सल्स हैं हर एक पिक्सल की उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे क्या करने वाले हैं, मास्किंग कर देंगे। ओके, मास्किंग इनकेस मतलब हमको कॉन्ट्रास्ट लेवल कहीं पे अगर ज्यादा चाहिए होगा तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कहीं पे कॉन्ट्रास्ट लेवल कम चाहिए रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो वन बाय वन पिक्सल है यानी, ठीक है, तो पिक्सल की कुछ तो भी वैल्यू रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग बस उसकी क्या करने वाले, कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना है तो हाई पिक्सल वैल्यू को इसके साथ में मास्किंग कर देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मतलब हर एक सिंगल पिक्सल को एट अ सिंगल टाइम हम लोग क्या करने वाले, उसका ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो होता है आपका बेसिकली पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पे, हर एक जो पिक्सल होता है, पिक्सल पॉइंट होते हैं, तो हर एक पिक्सल पॉइंट पे हम लोग एक विंडो
पिक्सल रहेगा, तो उस विंडो पिक्सल पे हम लोग कुछ मास्किंग करते हैं ताकि उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल कम किया जाए अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, या फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल उसका बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होगा, आपका एक लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म, इसको कहते हैं डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इम्पॉर्टेंट रोल क्यों नहीं प्ले करता है पॉजिटिव और जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जो आपको ये जैसे कि आप ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं, ये जो ये वाला एक कर्व बना है जो कि आपका आउटपुट रिप्रेजेंट करता है और ये आपका इनपुट रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अगर लीनियर है तो लीनियर का मतलब क्या है, सपोज आपने आपका खुद का एक फोटो लिया है और आपने वो फोटो आपने अगर उसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देते तो आपको सेम वही इमेज मिलेगा जो आपने इमेज लिया है, मतलब उसके उसके ऊपर कोई भी चेंजेस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, और जो दूसरा होता है नेगेटिव इमेज, तो नेगेटिव इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इमेज शायद आप लोगों ने मेडिकल जैसे कि आप एक्सरे वगैरह निकलता है तो आपको क्या मिलता है नेगेटिव इमेज, या फिर हम लोग बेसिकली अगर पहले का ज़माना जो था तो वहाँ पे हम लोग जब भी फोटो कोई क्लिक करवाते थे या फिर खिंचवाते थे तो उस टाइम पे हमको सबसे पहले नेगेटिव इमेज मिलता था। ठीक है, तो वो नेगेटिव इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद हमको कलर इमेज मिलता था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन प्ले अ वर्चुअल वर्चुअल रोल इन इमेज प्रोसेसिंग, सपोज वी हैव टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल इक्वल टू एल। तो एल क्या होने वाला, एल स्टैंड होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल, देन द रेंज ऑफ द ग्रे लेवल्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर एल माइनस वन। एल क्या रहेगा आपका टोटल पिक्सल वैल्यू, यानी हायर पिक्सल वैल्यू। तो वो ग्रे लेवल आपका कितना रहता है, 2 to the power 8, यानी 256 होता है, और जीरो से अगर उसको लेते हैं डिनोट करते हैं तो वो जाता है 255 तक। ओके, तो 255 तक जाता है जीरो से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, तो जीरो से लेकर 255 तक उसका वो वेरिएशंस होता है। सो द नेगेटिव इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, तो वो जो इमेज का इक्वेशन होगा ग्रे कौन सा नेगेटिव इमेज का, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं एस इक्वल टू एल माइनस वन माइनस आर, कहा जहाँ पे आपका एल क्या रहने वाला है, आपका ग्रे लेवल रहने वाला है, और जो R है R आपका रहने वाला इनपुट इमेज। तो इनपुट जो आपका ग्रे लेवल रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनपुट इमेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा एक आउटपुट इमेज, आपको रिक्वायर्ड आउटपुट इमेज, जो कि क्या हो जाएगा। देखिए नेगेटिव इमेज में अगर मैं सिंपली बोलूँ तो क्या होने वाला है, जहाँ पे आपका ब्लैक ब्लैक रहेगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाइट से, और जो वाइट रहेगा आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ब्लैक से। ओके, वाइट ब्लैक से और ब्लैक वाइट से कन्वर्ट हो जाने वाला है, यानी आप कौन से अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज लेते हैं तो जब आप उसके ऊपर नेगेशन परफॉर्म करेंगे या फिर नेगेटिव इमेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट, तो मैं बोल दूँ वो हो जाएगा आपका वाइट एंड ब्लैक। ओके, मतलब वाइट ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट्स टू वाइट एंड ब्लैक। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब वो जीरो जीरो रहेगा तो वो वन हो जाएगा, वन रहा तो जीरो हो जाएगा, सिंपल इतना ही होने वाला है। तो ये भी शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके आगे जो है, इसके आगे है हमारा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये काफ़ी यूज में आता है, लॉग जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग इसका मेनली काफ़ी यूज करते हैं बहुत हद ज़्यादा हद तक। तो इसमें क्या होता है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो रहता है आपका s इक्वल टू c इंटू लॉग वन प्लस आर, जहाँ पे आपका जो c है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मास्किंग करना या फिर मैपिंग करना, स्केलिंग करना, तो हम लोग c का उसी के लिए यूज करने वाले हैं, उसका स्केलिंग करने के लिए। अगेन जो आपके आपका जो r है, r क्या है आपका, ये आपका इनपुट इमेज है, तो ये इनपुट इमेज को हम लोग क्या करने वाले हैं, वन से ऐड कर देंगे। अब वन हमने क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि वन इस इक्वेशन में क्यों आया। अगर सपोज आपका आर आर की वैल्यू अभी जैसे कि आर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, अगर आर आपकी अगर जीरो हो जाता है तो लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग वन की जो वैल्यू होती है वो आपकी शायद इन्फिनिटी चली जाती है या फिर ओके जीरो हो जाती है। सही है, तो अभी अगर आप कैल्सियम अगर इसको देखेंगे तो शायद ये आपको एरर देता है। ओके, तो ये इक्वेशन आपका, हाँ, तो ये जब आप लॉग वन अगर लॉग अगर यहाँ पे लॉग जीरो, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग वन नहीं लिए रहते तो क्या होता था,
ये मैथ एक एरर दे देता था, तो उस एरर को निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 + r कर दिया है कि कुछ हमको फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, ओके, 0 मिल जाए या फिर कुछ तो भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, इसलिए हमने 1 + r किया है, ओके। तो ये भी क्लियर। उसके आगे जो है अब देखिए, ये हम लोग देख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट स्प्रेडिंग और कंप्रेसिंग ऑफ द ग्रे लेवल। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनहांस इमेज या फिर डी एनहांस इमेज, यानी कॉन्ट्रास्ट लेवल अगर हमें किसी एक इमेज का बढ़ाना है, तो हम लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग घटा सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं, इधर आपको ये आउटपुट और ये आपको इनपुट लेवल दिख रहा है, और उसके बीच में एक आइडियल यानी आइडेंटिटी जो इमेज बोला गया है, सपोज ये एक लाइन गई है जो आपको आइडेंटिटी इमेज बता रही है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं ऊपर के भाग में अगर आगे बढ़ता हूँ या फिर मैं एक ऐसा कर्व निकालता हूँ, तो इस कर्व में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो मेरे पिक्सल की वैल्यू है ना, इस रीजन के अकॉर्डिंग इधर जो मेरी पिक्सल की वैल्यू हो क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं इनपुट इमेज अगर यहाँ पे अगर मैं कोई अगर लगाता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन पे अगर मैं कोई इनपुट इमेज अगर लगाता हूँ, तो इनपुट इमेज मेरा क्या रहने वाला, नैरो रहने वाला है, और जो मेरे को आउटपुट इमेज मिलने वाला है वो मेरा क्या रहने वाला है, वाइड रहने वाला है। अब जैसे कि जब मैं इस तरीके का अगर मैं लॉग यूज़ करता हूँ, तो इसमें क्या होने वाला, मेरा इमेज यहाँ पे एनहांस हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है, कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ने वाला है। अगर कोई मेरा मेरे पास कोई डार्क इमेज है, तो मैं यहाँ पे जब इनपुट में लगाऊंगा, तो यहाँ से जो मेरे को मिलने वाला है, तो मेरे को मिलेगा हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलेगा, और उसका ही अपोजिट होता है आपका ये वाला इमेज। तो इसमें जब आप इनपुट पे, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसका कर्व गया है ये नीचे के बगल से गया है। अब नीचे के बगल से जाने का मतलब क्या होने वाला है, अभी पहले ऊपर से गया था तो पिक्सल की वैल्यू भी हाई थी, अभी ये नीचे से गया तो क्या हो रहा है, पिक्सल की वैल्यू आपकी कम हो गई है। तो आप इस इंस्टेंस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, पिक्सल की वैल्यू घट गई है एक हद तक, बहुत ही ज़्यादा घट गई है। जैसे कि आप यहाँ से अगर इनपुट में अगर हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज अगर देते हैं, ठीक, अगर हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, तो वो ये क्या करने वाला है, ये आपका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है इसको घटा के कम कर देगा, यानी आपने कोई ब्राइट इमेज दिया है तो वो आपको मिलेगा थोड़ा सा डार्क इमेज मिलेगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन रहने वाला है, जैसे ये वाला एक सेक्शन है, ये विदाउट एनी इफेक्ट, मतलब इधर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अगेन यहाँ पे भी आप लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन किस बगल में दिखेगा, एक इस बगल में दिखेगा, ओके, आउटपुट में इस बगल में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, अगेन आपको यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाता है, ठीक। और ये वाला जो रीजन रहता है ये अनअफेक्टेड रहता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जैसे कि हम लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, सेम इस सेम ये रिलेट करता है आपके पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से, वो दोनों के दोनों सेम ही हैं, लेकिन इसमें क्या मिल जाता है, इसमें हमको गामा, इस पावर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग अगेन गामा, अगेन इट इज़ कॉल्ड एज गामा करेक्शन, इसको गामा करेक्शन हम लोग कहते हैं। तो देखिए, इसको जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो होता है फॉर्मूले से, एस इक्वल टू सी आर गामा, जहाँ पे आपका सी क्या रहने वाला है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आर आपका जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि इनपुट वैल्यू, और गामा क्या है, गामा एक वेरिएबल वेरिएबल सेट पॉइंट है, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस गामा के वैल्यू को चेंज करके आप लोग इमेज का कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एक हद तक अगर थ्योरी थोड़ी सी कम लिखी तो भी चल जाएगा, बट आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने पड़ते हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ्स आपने देखा है अभी तक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फॉर गामा ग्रेटर देन वन, अगर गामा की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है, ग्रेटर यानी जैसे कि आप लोग नीचे बगल देख सकते हैं कि गामा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती है, उस हिसाब से क्या होता है, आपका कॉन्ट्रास्ट लेवल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ से अभी ये नीचे के बगल ये कर्व बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, आपकी पिक्सल की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम 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 होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, जिसकी वजह से जो आपका इमेज है वो डार्क बनने वाला है, ठीक है।
अगेन अगर फॉर गामा इज लेस देन वन, गामा अगर लेस देन वन है, इससे अगर लेस, अगर गामा की वैल्यू में इधर देखो तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। अब इधर डिक्रीज होने का मतलब ये क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल अभी आप देख सकते हैं कर्व ऐसे ऐसे में बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो गामा की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी आपको इमेज जो है और ब्राइट मिलेगा, वो उसका बेनिफिट होता है। ओके, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज गामा करेक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ गामा कॉन्स्टेंट। बेसिकली गामा करेक्शन प्लेज सेम रोल एज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और जो आपका पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों के दोनों सेम है, बट इसमें क्या होता है, आप गामा की वैल्यू आपने चेंज कर दिया तो उसके बस गामा की वैल्यू इसके अंदर चेंज करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज कॉन्ट्रास्ट हाई कॉन्ट्रास्ट भी मिल जाएगा या फिर लो कॉन्ट्रास्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इतना था आज के लेक्चर में। तो आई होप सो आप लोगों को सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा बना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।